है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे क्या है। आज साइकिल से शुरुआत हो गई है सुबह सुबह की। अंकल की गाड़ी साफ हो रही, इधर अपना साइकिल से जा रहे हैं। हालांकि भतीजे की साइकिल के ना तो ब्रेक लग रहे हैं। ये अंशु मोटे की साइकिल है, इसको सर्विस पे डालने जा रही हूँ मैं, तभी चलाते हुए जा रही हूँ। अरे वो क्या ब्रेक नहीं है, बच्चा छोटा है, मतलब है वो 12-10 साल का ही अभी, तो चलाता थी खतरनाक तरह से। अभी मतलब 6 महीने पुरानी साइकिल है उसकी, उसने हालत ही ख़राब कर दी है। तो इसको जाते तो कान पर डालवाते हैं, हाथों हाथ सही करवा के उसको दे देते हैं, क्योंकि कल वो मकान पे भी जाएगा, फिर वो वहाँ पे चला नहीं पाएगा। जब तक उसको सही करा के और कंप्लीट करा के रख दो, क्योंकि क्या है देखो, ब्रेक लगता नहीं है। देखो ये ब्रेक लगाया मैंने, साइकिल चली जा रही चली जा रही, तो वही चीज़। और आगे का तो ही नहीं खा गया वो, हालांकि बच्चा है वो, छोटा है वो, तो समझता हूँ मैं। कल वो गिर गया था तो मैंने देख लिया था, पर मैंने उस टाइम उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि डर गया था कि मैं कुछ बोलूँगा। मैंने कुछ बोला नहीं, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, उसकी साइकिल के ब्रेक भी नहीं है, रात को पूजा करी तो मेरे को समझ में आ गया कि मैंने इसमें दिक्कत क्या है। तो फिर इसका थोड़ा लेके चलते, यहाँ से थोड़ा सा घूम के जा रहे हैं। मैं भी चला के तो देखूँ कि क्या परेशानी क्या नहीं, क्योंकि वो देखेगा ना, वो भी आ रहा था साथ में, पर उसको नहीं लेके आया, वो क्या थक जाएगा, मतलब है नहीं। और बच्चों को तो नया नया शौक होता है, उसकी साइकिल में हवा भी कम है, कल उसने भी पूजा करवाई। देखो ये अंशु की साइकिल का काम चालू हो गया है, लग गई इसके सर्विसिंग पे। इसमें अभी तो मतलब ये गुटके का ही बता दिया काम, उसके 2 नट डलेंगे, उसके 6 कटोरी बता दिया, ब्रेक की केबलें डलेगी। ये भैया की दुकान है, यहाँ पे नई नई साइकिलें भी मिलती है। मतलब मेरे पास हॉक साइकिल थी जब मैं आता था यहाँ पे, तो सामान में। और ये दद्दू अब तो नई साइकिल बना रहे, तो आज का ब्लॉग में ही साइकिल साइकिल खेल लेते, और क्या है। लड्डू भी अनुभव व्यक्ति दिख रहे हैं। उन पे प्राइस भी लिखी है जिसको लगे, तो 15 होटल मेरा घर जिसने ही देखा ना, तो वहाँ से सीधी गली में ही दुकान है, वही दिखा दूंगा मैं रास्ता। अपने अपने छोटे बच्चों के लिए भी साइकिल है, यहीं पर सर्विस भी हो जाती है, यहीं से खरीदो, यहीं पर काम करा दो। उसका साइकिल का काम चालू भी हो गया, ब्रेक वो काम कब तोड़ेगा उसका कोई भरोसा थोड़ी नहीं है। भैया आपका नाम क्या है? लक्की भैया काम कर रहे हैं साइकिल का। इसके बाद फिर एक ब्लॉग आएगा बुलेट की सर्विसिंग का, तो वो भी डालेंगे, तो उसकी सर्विसिंग आ गई है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कंपनी में कराऊं कि बाहर कराऊं, देखता हूं जो भी होगा बताऊंगा। ऐसे भैया के इसमें भी हो गया चैनल सब्सक्राइब, ये मेरा, ये भैया आएंगे साथ में, इनका इन्हीं की साइकिल की दुकान है, तो उन्हीं के चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया। और ये इन्हीं की दुकान पे इसकी अंशु की साइकिल की सर्विसिंग हो रही थी, अब ये भी देखेंगे इनका वीडियो। पर ये वीडियो परसों आएगा, क्योंकि कल क्या गुना का पार्ट 2 डालना है, तो इसलिए। ये अब इसकी ब्रेक की वायरिंग कर रही है, ये भी हो जाएगा कंप्लीट हो जाए, ये हो गई कंप्लीट। तो भैया थोड़ा सा कपड़ा मार के भी देखे साफ सुथरा करके उसको, तो ये होता है कुछ अच्छे काम की पहचान। हालांकि तो वही चलाएगा अंशु, वही बता पाएगा कि सीधे होगी कंपनी। इनकी दुकान है कि भैया की, मतलब वृंदावन कॉलोनी इंदौर में, वहाँ पे ये श्री कृष्णा साइकिल स्टोर, मतलब
वृंदावन कॉलोनी में किसी से पूछ लेना, मिल जाएगी दुकान अंदर एक गली में, मेन रोड से अंदर है। अच्छा काम होता है, मतलब देखा अभी आपने पूरा ब्लॉग देखना, उसमें पूरी अपडेट चाहिए व्यवस्थित काम हो। भैया भी चेक करके लेके आ रहे हैं साइकिल पूरी है। हाँ मतलब ब्रेक व्रेक कैसे क्या लग रहा है पूरी चेक करके। सही है, अब चलने में पेडल तो नहीं ढीला हो रही ना उसका, इसमें हवा डलवानी पड़ेगी हल्की। हवा नहीं कितने, हवा और डाल दो। इसमें हवा की कमी थी वो भी डल गई, तो इससे और अच्छी स्मूथ चली गई। मतलब यही दुकान से अंशु की ये तीसरी साइकिल है। बीच में तो भैया मनी कर रहे थे अंशु की साइकिल देखते, तो यही नहीं काम हो पाई क्योंकि, तो देखो अभी आज तारीख हो गई कितनी, आज 23 अक्टूबर हो रही है ना, और टाइम हो रहा है 3 बज रही है, मतलब करेक्ट है। ये आ जाइए ना अभी आप देना इसको, थोड़े दिन बाद ही चेंज हो जाएगी। कितना क्या पेमेंट हो गया इसका भैया? 400 रुपये। ठीक है सर, हाँ इतना काम हुआ 400 रुपये का, मतलब ज़्यादा का हुआ था, भैया ने डिस्काउंट काट के बता दिया। ठीक है, हालांकि देखो पहले से तो सही चल रही, नहीं तो मेरे को क्या पेड़ से ब्रेक लेना पड़ रहा था बार बार से, चल रहा था सही, काफ़ी चेंज हो गया, मस्त चल रही है। अब बस अंशु भैया के हाथ में है कि वो कितने दिन चलाते हैं, तो हो गया है मतलब सही यार। ठीक है धन्यवाद। तो ये भैया की दुकान है कि यहीं पे श्री कृष्णा साइकिल स्टोर, ये भैया की यहाँ पर साइकिल, नई साइकिल भी मिलेगी, इसको लगे ले लेना। और इंदौरी ब्लॉक के नाम से बताऊँगे ना तो पहचान जाएंगे भैया, तो डिस्काउंट भी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये अंशु भैया की हो गई साइकिल रेडी, मतलब ठीक है यार 400 के हिसाब से देखो, ये केवल नहीं होगी सब चीज़ तो, ये पूरी मतलब गुट के जो होते ना ब्रेक के, वो चारों चेंज हुए। ये छर्रा कटोरी का था तो उनने पूरा सही कर दिया, हैंडल भी अब दूजी नहीं रहने, तो मैं एक हाथ से तो पहले वाली वीडियो में देखो कैसी चल रही थी और अब देखो कैसी चल रही है, मतलब मैंने तो लातों से ब्रेक मारे भैया। मेन रोड का तो वीडियो बना ही नहीं पाया मैंने क्योंकि ब्रेक ही नहीं थी ना, मतलब सही यार साइकिल क्या कि छोटी मोटी ब्लॉगिंग भी सही है साइकिल, ये तो क्या हुआ भैया, पहले यही चलती थी गाड़ी घोड़े से, पहले मेरे पास हॉक साइकिल थी। मस्त धीरे धीरे चलाओ मस्त। अब अंशु भैया के ऊपर है वो कितने दिन चलाते हैं, अभी अंशु भैया का साइकिल अपन दूर खड़ी करके आएंगे और अंशु भैया का रिएक्शन देंगे, बोल देंगे साइकिल मिलेगी उसको 3 दिन बाद, तो फिर देखते क्या बोलता हूँ, है ना। मैं सोचा साइकिल को यहीं से कूदा दे, मतलब हाथ से उठा के इधर अंदर ही करते हैं, अब क्या है। हाँ कौन इतना घूम के आएगा, थक गया इसी साइकिल चला चला के, आज तक चला ही नहीं, अपना घर आ गया यहाँ से 51 नंबर रोड है ओम मेडियो के सामने अपना घर है, साइकिल यहाँ से कूदा के सीधे घर। हाँ साइकिल को कार के पीछे खड़ी कर देते हैं, अंशु भैया का रिएक्शन लेंगे ऐसा क्या है, तो मज़ा कुछ अलग ही आएगा। थोड़ा सा वो चिड़ेगा और कुछ नहीं, रहता हूँ मैं जाऊँगा सीधा, साइकिल दिखेगी नहीं तो खुद ही पूछेगा कहाँ ही मिली साइकिल, कहाँ ही मिली साइकिल, खुद की साइकिल अपन यहाँ पर तो पाले हैं। तो ये चैनल को भैया सब्सक्राइब भी करते जाना, ये दिख रही है ठीक है, तो साइकिल से ब्लॉग बनाने का सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये हो गई रेडी अंशु भैया की साइकिल, अपनी गाड़ी वो खड़ी है, अब चलते हैं अंदर अंशु भैया के मज़े लेने, बिना अंशु भैया के अपन मज़े लेंगे पूरे ठीक है। देखते हैं कहाँ है अंशु भैया, साइकिल बेटा तेरी 4 दिन बाद मिलेगी, काम ज़्यादा है उसमें।
कितना क्या था, वो तो था जितना था। अब आप बैठो आराम से, गर्मी रहो। हाँ तेरी मम्मा तो पागल है। और ये देखो मेरी मम्मी बना रही है, क्या बना रही है मम्मी? करंजी नहीं, गुजिया तेरे नाम वाली। ये देखो ये कितनी बना के रख ली ऐसी तुमने। ये देखो ये हाथ धोए कि नहीं धोए पता नहीं, पर बनी जा रही है। तेरे साइकिल में मम्मी, इसके साइकिल में काम ज्यादा है, 3-4 दिन बाद आएगी साइकिल, 3-4 दिन बाद। वो पैसे लग रहे हैं उसमें ज्यादा। हाँ गेयर आ रहा है इसका 7,000 का। तो कितने के आते? 2,000। मुँह देखा 2,000 का। ये लो 400 हो गए। साइकिल ढूंढ रहे हो उसकी। अब दुकान पे ही चल, दुकान पे लेना है साइकिल, दुकान चलना है। मैं तो बाइक से गया था। तो धीरे चलाएगा तो अभी भी दिलवा दू। बोल, वो गाड़ी के पीछे खड़ी है, वो टेंशन में हो गया। ये मतलब साइकिल चलाता नहीं, खा जाता साइकिल को। ये तुम यहीं खड़ी हो क्यों बेटा? आज खड़ी है अभी। फिर ढंग से चला। इधर इधर अंशो, इधर इधर। पायलट नहीं बनना अपने को अब। नहीं तो कल जैसे गिरा था ना, मैंने वीडियो तो बना लूंगा बेटा वापिस से। कल का तो डिलीट कर दिया गिरे हुए का, फिर डैडी को ही भेजूँ। तो बेटा ब्रेक क्यों लगे फिर साइकिल में? कल गिरा था इसलिए ना। वो खराब हो गया था, टूट गया था। तूने इतने तेज तेज ब्रेक ही मारे। ये था भाई, ये असली पायलट। चला क्या होता, कैसी क्या चल रही है? चला चला साइकिल अच्छे से, मतलब सही चल रही है। ये देखो एसी चलती है तो कहाँ से टिकेगी साइकिल थोड़ी सी। ये बचा फिर बचा। अच्छा तो ऐसी साइकिल चलाता, मतलब मान के चलो ये 4-5 दिन चलेगी तो बहुत है। और टायर फिर घिसा उसने अभी तो भी। अभी पता हाथ छोड़ के चला रहा था, मैंने मोबाइल ऐसा रख लिया था, हाथ छोड़ के नहीं चला रहा। नहीं तो हाथ छोड़ गया, देखो ये अभी दोनों हाथ छोड़ के चला रहा था। ये देखा अभी, मतलब पायलट से कम थोड़ी नहीं है। मैं ही एबला हूँ, वैसे 10 गुना ज़्यादा एबला। ये देखो ये तो गिर गुर आते हैं। ये गया, चलो ठीक है साइकिल को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और अपन चलते हैं अंदर अब, क्योंकि मेरी साइकिल मैंने दिखाई नहीं कि मैं कैसा क्या हो जाऊँ। मैं अभी आया नहीं हूँ, आज भी सवेरे लगा था, लाइट लगाई पीछे तो भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मोबाइल की बैटरी डाउन थी पूरी। तो फ़ोन चार्जिंग पे था, फिर उसके बाद मैंने घर के पीछे थोड़ा बहुत जो भी काम था वो करा। और जो बच्चे लेके आया था बुरा से, उनको खाना पिलाया सब साफ़ सुथरा करा। उसके बाद ये अंशु भैया की साइकिल, साइकिल का काम करा के सीधे अब नहाने चलेंगे। ये देख लो ऐसे ख़राब होती साइकिल, मतलब पीछे से उठा उठा के बता रहा मेरे को। मैंने उस टाइम 2 बार इसने करा, दोनों बार मैंने क्लिक कर नहीं पाया। तो ये इस कारण से साइकिल ख़राब होती है। तो अब क्या, इसकी साइकिल सही नहीं होगी, ये लास्ट वार्निंग है। मतलब देखो किस प्रकार से साइकिल चला रही है, मतलब एक हाथ क्या, वो दोनों हाथ छोड़ के चला रही था अभी वो। आप बताऊँ तेरे को, फिर पिटाई खाएगा। इस कारण से साइकिल से ठीक कर रही थी। मोटे किधर न जा, ऐसे चलाता है तभी। देखो उसमें मतलब 3-4 बार तो टायर घिस ही दिया अभी था। तो इस साइकिल को यहीं पे एंड करते हैं, तो चलते अपने दूसरे काम पे। ठीक है, ऐसे भी देखो पटाखे आप फोड़ तो देते हो डॉक्टर। देखो ये डर के मारे मतलब खा भी नहीं रहा है, डर के मारे आया। भैया बता रहे मतलब उनके पास ये आया है
20 से 21 दिन बाद आया पर आज पटाखे डर से आया। ऐसा मत करो रे, गलत चीज़।